दिया छोड़ दिया तेरी गली जाना, छोड़ दिया छोड़ दिया दिल को यूं बहलाना। आप यहाँ? इसका मतलब जो कुछ मैंने सुना वो बिल्कुल सच है। क्या सुना है आपने? क्या फराज बाकी अनीता से शादी करना चाहता है? बोले जमीन, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ। प्लीज मुझसे कुछ भी मत पूछ, प्लीज। समझ गया जमीन, आप प्लीज इस तरह से कमरे में बंद होकर खामोश मत बैठें। आप पापा को फोन करके बताएं जो कुछ हो रहा है आपके साथ। प्लीज मत होने दें ये सब कुछ। मुझे फोन करके बताना होता तो मैं पहले भी कर सकती थी, फोन है मेरे पास। लेकिन मैं किसी से कुछ कहने ही नहीं चाहती, और बाबा जब यहाँ थे उनसे तभी बात कर सकती थी। आपने क्यों बात नहीं की? आपको ये सब रोकना चाहिए समीम, प्लीज। फराज अनीता से मोहब्बत करते हैं, किसी को भी कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है उन्हें। क्योंकि अगर आज किसी ने किसी भी वजह से उनसे कुछ भी कहा, उन्हें रोक लिया, फराज बाद में भी यही करेंगे। फिर ऐसे कैसे करेंगे और क्यों करेंगे? समीम वो शौहर है आपका और आप उसकी बीवी हैं, आपका पूरा हक है उसके ऊपर। ऐसे कोई भी औरत अपने शौहर को बेवजह दूसरी शादी करने की इजाजत नहीं दे सकती और ना देनी चाहिए। वजह है, मैं जबरदस्ती उनके गले बांध दी गई थी, और फराज तो मुझसे मोहब्बत भी नहीं करते। ये जमीन, मुझे ये सब नहीं पता, लेकिन अगर आप कहें तो मैं फराज से डायरेक्ट बात करता हूँ, उसे समझाने की कोशिश करता हूँ। नहीं प्लीज, आप प्लीज कोई बात मत कीजिएगा। लेकिन क्यों क्यों? मैंने खुद को हालात के दायरे में छोड़ दिया है, मुझे किसी से कुछ भी नहीं चाहिए, कोई मदद नहीं चाहिए, कोई सहारा नहीं चाहिए। और आप भी प्लीज प्लीज कुछ मत कीजिए। किस्मत में जो लिखा होता है ना, हम उसे बदल नहीं सकते। जो नसीब में है वो होके रहता है, और अगर हमारा नसीब पे इख्तियार होता तो जो कुछ हुआ मेरे साथ वो होता ही क्यों? दुआएं तकदीर बदल देती हैं। मैं दुआ करूंगा आपके लिए। थैंक यू। छोड़ दिया तेरी गली जाना, छोड़ दिया दिल को यूं बहलाना। रोते हैं क्यों, पूछे कोई, देखे खुशी लूटे कोई, दिल तोड़ा क्यों बेवजह, बिखरे हैं हम सौ दफा, झूठे सब बेटी को छोड़ा था मैंने तुम्हारे ऊपर, आज तक भुगत रहा हूं। चलो मैं तुम्हें खुद छोड़ के आता हूं।
चलो अबू, ऐसा करें, मुझे मेरी सास ने और मेरी शौहर ने मुझे खुद भेजा है, मैं ऐसे कैसे खुद से जा सकती हूँ अबू प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। ऐसा नहीं हो सकता, अगर ऐसा होता तो फूफो मुझे खुद कॉल करती। आमिर अगर पानी पिला दो जरा। मरियम हमारी एक बेटी और, सुनील के साथ जो होना था सो हो गया, लेकिन इकरा के साथ जो होना है इसका इंतजार हमारे इसी फैसले पर। इसलिए अपने दिल को पक्का करो, खुद उसे याद किया करो ना, मुझे याद करो। अपनी एक गलती की सजा भुगत रही है बेचारी। बस गलती ही तो थी अम्मी, उन्होंने जानबूझ के तो कुछ भी नहीं किया। और दूसरी शादी कर नहीं, क्या ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होना चाहिए इब्राहिम। कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता ना, तुम कुछ कर सकती हो। नहीं नहीं, ये तो जुल्म है, हमारी बेटी है वो, इतनी कड़ी मुसीबतों में हम उसका साथ तो नहीं छोड़ सकते, अकेला तो नहीं छोड़ सकते समीम को। आप फराज के वालिद से बात करें ना, वो रोक सकते हैं अपने बेटे को, हमारी बेटी को बर्बादी से बचा लें इब्राहिम। पर बात तो वो उसी दिन हो गई थी जिस दिन वो मुझसे और तुमसे झूठ बोल के घर से। अम्मी अबू कब से आपको बुला रहे हैं, आप सुन क्यों नहीं रही? बुला नहीं रहे मुझे, पानी मांग रहे, दे दो जाके उनको। अच्छा पानी। मैंने तुम्हारी अम्मी को बुलाया, वो उनकी शायद तबीयत खराब है। क्या हो गया उनकी तबीयत को? मैं देख रहा हूँ दो तीन रोज से मुंह फुलाए फुलाए घूम रही हैं। जिस कमरे में मैं बैठता हूँ वहां बैठने का वारा नहीं करती। ऐसा क्या कर दिया मैंने भाई? जाओ वो क्या अबू बुला रहे, ये पानी रख दो ये। जी अबू। अम्मी अबू आप ही को बुला रहे हैं। अम्मी आप सुन रही हैं? अबू आप ही को बुला रहे हैं। जो बात है तुम्हें कह दें, मैं मसरूफ हूं। मुझे भी तो पता चले, आखिर ऐसी कौन सी मसरूफियत है कि तुम मेरी बात सुनने की रवादार नहीं हो?
मरियम, मैंने कुछ कहा है तुमसे? मुझे आपकी किसी भी बात का जवाब नहीं देना। हाँ तो यूं कहो ना कि नाराज हो। नहीं, मुझे क्या हक है आपसे नाराज होने का? अच्छा, आप अपने इस हक से कब दस्तबरदार हुई और क्यों? जिस आदमी के घर में उसकी बेटी को 2-4 दिन रुकने का भी आसरा नहीं हो, उससे क्या उम्मीद रख सकती हूँ मैं? मरियम, तुम हद से बढ़ रही हो। हद? किस हद की बात कर रहे हैं? बताएं क्या है आपकी हद? एक बाप अपनी बेटी को जलील करके घर से निकाल दे, ये होती है हद? मैं पूछती हूँ इब्राहिम साहब, आप उसके बाप हैं भी या नहीं? मरियम, बस करें, चिल्लाएं मत। इकरा यानी होती तो मैं भी आपसे इसी अंदाज में बात करती। अच्छा, तुम क्या चाहती हो? हाँ, क्या चाहती हो कि लोग मुझे नोच नोच के खा जाएं? हाँ, लोग नोच नोच के खा जाएं हमें। और माँ बाप किस लिए होते हैं? औलादें तो गलती करती ही हैं। इसका मतलब ये तो नहीं है कि जब सारी दुनिया उन्हें पत्थर मार मार के जख्मी कर रही हो तो माँ बाप भी मुंह फेर ले उनसे। उस वक्त तो औलाद को सबसे ज्यादा जरूरत होती है माँ बाप की, जब सारी दुनिया उन्हें अपनी गलती भूलने नहीं देती, माफ नहीं करती। और आपको अपने छलनी होने की फिक्र, जानते भी हमारी बेटी के साथ उस घर में क्या सलूक हो रहा है? उसने कभी कुछ नहीं कहा, कभी नहीं कहा कि मैं वहां रहना नहीं चाहती हूँ। चुपचाप सब कुछ झेल रही है, बर्दाश्त कर रही है। वो 2 दिन के लिए हमारे घर आई, थोड़ी सी चाव में बैठने के लिए, लेकिन नहीं, हम नहीं दे सके उसे वो। क्या समीन का इस घर पर, हम पर, अपने माँ बाप पर कोई हक नहीं रहा? हक की बात करते हैं। या अल्लाह, तू मेरी नींद और मेरे इरादों को मुझसे बेहतर जानता है। मेरी ज़िंदगी में जो कुछ भी हुआ उसे मैंने तेरी रजा समझ कर कबूल कर लिया, और जो आगे होने वाला है मैं उस पर भी कोई शिकवा नहीं करूँगी। तू ही है जो हमें मुश्किलें देता है, तू ही है जो उन्हें आसान कर सकता है। मेरी मुश्किल को भी आसान करते मेरे मालिक। दो घंटे आप उसे अपने घर में रखने के लिए तैयार नहीं थे। आप क्या चाहते हैं, सारी जिंदगी इसे अपने गले में डाल के रखे हम? मैं समीन के साथ अपनी पूरी जिंदगी नहीं गुजार सकता। रास, प्लीज ऐसे मत कर, अब्बू के सामने तो ये बात मत कर। मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ इब्राहिम साहब, इसलिए आप इसको यहां से ले जाएं।
नवीन मेरे लिए कॉफी। जानती हूँ कि जो कुछ भी हुआ वो बुरा हुआ, लेकिन अगर आपने मुझे छोड़ दिया तो मैं तो कहीं की भी नहीं रहूंगी ना। मेरे लोगों ने इतनी बातें बनाई, अब अगर छोड़ दिया तो मुझे नोच खाएंगे सब। जुल्म करते हुए आपको एहसास नहीं होता कि मैं भी इंसान हूं, मेरी भी ऐसा साथ है। उस रात मैं अकेली नहीं थी, आप भी थे मेरे साथ, लेकिन सजा सिर्फ मेरे लिए क्यों? जो हुआ है वक्त के सितम ने जब से छुआ है, जैसे मुझको कोई सजा मिल रही है, मुश्किल से मेरी जान कट रही है। झूठे सब अफसाने अपने सब बेगाने, होगा क्या आगे खुदा जानता। मुझे पता है तुम जाग रही हो, ठीक कहती हो तुम, बिल्कुल ठीक कहती हो। जिस वक्त मेरी बेटी को मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी, मैंने उसकी तरफ से मुंह मोड़ के उसे दुनिया के बेरहम हाथों के हवाले कर दिया, लेकिन मैं क्या करता? मुझे उस वक्त अपनी इज्जत बचाने का इसके अलावा कोई और रास्ता सुझाई नहीं दे रहा था। और तुमने तो मुझसे कहा था कि फराज के वालिद से बात करो, मैंने इन दोनों की शादी तुम्हारे कहने पे करवाई। मैंने कब कहा है कि शादी गलत थी? लेकिन उन हालात में अपनी और अपनी बेटी की इज्जत बचाने के लिए और हम कर ही क्या सकते थे? तो तुम क्या कहना चाह रही? सारा कसूर मेरा है, सब गलती मेरी है। ये नहीं कह रही हूं मैं, मुझे पता है आप बहुत परेशान हैं, बहुत दुखी हैं। मुझे सिर्फ आपके उस रवैये से इतराज है इब्राहिम। जब हमारी बेटी अपने ससुराल से टूट फूट कर सिर्फ दो दिन के लिए हमारी छांव में बैठने के लिए आई, तो आपने पहले ही कुछ नहीं कहती हमें, वो कुछ नहीं बताती है, सिर्फ सहती रहती है। उसे पता है उसके माँ बाप मजबूर हैं, कुछ भी नहीं कर सकते उसके लिए, लेकिन क्या हम उसे इस घर में दो दिन के लिए पनाह भी नहीं दे सकते थे?
मुझे माफ कर दो मनिया, खुदा के लिए मुझे माफ कर दो। तुम ठीक कहते हो, मुझे उस दिन अपनी बेटी के साथ वो सलूक नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूं मरियम, मैं आइंदा कभी अपनी बेटी को इस दुनिया के रहम करम पे नहीं छोड़ूंगा। तब जब उसे मेरी जरूरत होगी मैं उसके साथ खड़ा रहूंगा, चाहे नतीजा कुछ भी निकले, कुछ भी। मुझे माफ कर दो, माफी मांग के मुझे शर्मिंदा नहीं करें ना। मैं भी कुछ ज्यादा ही कह गई। I'm sorry. उठ को, तो ये समीर ऊपर से। अम्मी नसरीन सब कोई है घर में? क्या हो गया फराज, क्यों शोर मचा रहे हो? अम्मी वो शर्ट कहाँ है जो अनीता ने यूएसए भेजी थी? ग्रो अप फराज बेटा, अब हर चीज का ख्याल मैं रखूंगी, खुद अपनी चीजें संभाला करो। मुझे वो आज पहननी है, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे मिल नहीं रही। आपने देखिए, मैं रहती हूँ तुम्हारे कमरे में, जो रहती है ना तुम्हारी चहेती, उसी ने छुपाई होगी कहीं। पता चल गया होगा कि अनीता ने गिफ्ट दिया तुम्हें। अम्मी मुझे याद है मैंने खुद रखी थी वहां पे, मिल नहीं रही। और आप हर बात पे उसे क्यों जिम्मेदार ठहराती है? समीन जी इधर आओ। शर्ट की बात तो नहीं कर रहे थे? God, yes, yes, yes. तुम्हें कहां से मिली? मैं तो कब से ढूंढ रहा था इसको। कपड़ों में ही थी, पीछे थी। That's fine. शर्ट मिल गई ना? ठीक है तुम जा, यहाँ क्यों खड़ी, जाओ कपड़ा लेके जाओ सफाई वाला। आज इसको यहाँ नहीं होना चाहिए था, मेरा मतलब अनीता और उसकी मॉम इसके सामने आएंगी, इस पे क्या गुजरेगी? पहली बात तो ये है कि मैंने तो इसे भेज दिया था इसके घर, इसके बाप ने 2 घंटे अपने घर में इसका वजूद बर्दाश्त नहीं किया, छोड़ गया वापस। और दूसरी बात यह कि तुम्हें अपने दिल में इसके लिए ज्यादा हमदर्दियां पैदा करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या लगता है कि इसकी कोई फीलिंग्स नहीं है, कोई एहसास नहीं है, मतलब इसको तकलीफ नहीं होगी? क्या हो गया तुम्हें? ये तो तुम्हारे दिल में इसकी हमदर्दियों का समंदर ठाठे मार रहा है ना, इससे हमारा बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। ये बात सुन लो, इसका तो मैंने बंदोबस्त कर लिया है, ये तुम्हारे रास्ते में कोई रुकावट खड़ी करेगी ना खुद रुकावट बनेगी। और तुम तो अनीता से मोहब्बत करते हो, उससे शादी करना चाहते हो, और फिर वो और उसकी मां आज हमारे घर आ रहे हैं। तुम ये जो शर्ट घुमा के ढूंढने वाली लड़की है ना, ये समीन, इसके लिए ज्यादा हमदर्दियां ना पालो दिल में।
वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच। आप इतनी प्यारी हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। और बेटा आप तो बहुत हसीन हो। मैंने तो इतनी दुआ मांगी थी कि मेरी आप लोगों से मुलाकात हो जाए। अल्लाह ने आज मेरी दुआ भी सुन ली, मेरी ख्वाहिश भी पूरी कर दी। अनीता भी बहुत दिन से कह रही थी कि मुझे आप सबसे मिलना चाहिए, तो मैंने कहा चलो मिल ही लेते हैं। बेटा आप तो माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरे बेटे का दिल और मेरी आंखें तो आप पे आके जैसे ठहर गई हैं। माँ सारी बातें यहाँ खड़े खड़े करनी है। समझे तू? हाँ जी हाँ जी, आइए आइए आइए। शुक्रिया शुक्रिया। आई फराज, तुम्हारे मामा इतनी ओवर क्यों हो रही है? देखो मेरी मॉम बहुत प्रैक्टिकल है, कोई भी उनको इतनी आर्टिफिशियल तरीके से मिलता है तो वो एक मिनट में उन पे फेक का लेबल लगा देती हैं। ये समझाओ उन्हें। समझाते हो तुम? अंदर जाओ बैठो। फराज एटलीस्ट आज के दिन तो उसको यहाँ से गायब कर देते, मामा को पता चलेगा तो क्या होगा? तुम फिक्र मत करो, तुम बैठो, मैं देखता हूँ। क्यों खड़ी हो तुम यहाँ? ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। तुम्हारी बदतमीजी का जवाब इस वक्त देना नहीं चाहती मैं। मुझे भी मालूम है, बहुत अच्छी तरीके से जान गई हूँ मैं तुम्हें। क्या जान गई हो? यही कि जब तुम्हें शोर हो गया कि तुम्हारी वजह से मेरा भाई नहीं रुकने वाला, तो तुमने सोचा कि क्यों ना उसे ही किल्ट में डाला जाए, है ना? बेकार की बातों में तुम्हारे दिमाग कुछ ज्यादा ही चलता है। तुम क्यों इतनी हसरत से मेरे भाई के पीछे? ताकि वो अपनी नई जिंदगी की और नए रिश्ते की शुरुआत ही ना कर सके। मैं दुआ करती हूँ कि तुम पर ऐसा वक्त कभी ना। और सोचो अगर तुम मेरी जगह होती तो तुम क्या करती? मैं क्यों होती तुम्हारी जगह? अपने मंगेतर को छोड़कर, अपने घर वालों से झूठ बोलकर रातों को अजनबी लड़कों से मिलने के लिए तुम जाती थी, मैं नहीं। और एक बात मेरी गौर से सुनो, अनीता के सामने तुम बिल्कुल नहीं होगी। तुम्हारा ही हुक्म बेमानी है मेरे लिए, क्योंकि उसके सामने मैं खुद मिल जाती हूँ। वो लोग आपके घर पे आकर बैठे? हाँ शायद। अरे वो लोग आपके घर पे हैं और आप उन्हें रोकने के बजाय आप मेरे साथ बैठे हुए। तो मैं क्या करूं? क्या मतलब क्या करूं? बड़े भाई हैं फराज की, उस घर के बड़े बेटे हैं, उसे रोके हैं कि आप फराज को उसे शादी करने से रोक भी नहीं सकते। अरे दिस इज नॉट इजी फॉर मी, अभी कुछ ही अरसा हुआ है मुझे वापस आए हुए। मैं नहीं चाहता कि मेरी फैमिली इस तरह से। क्या बोले? तुम अच्छी तरह जानती हो ना कि फराज और मेरे बीच एक कम्युनिकेशन गैप है। अगर मैं उसके पर्सनल मामलात में इंटरफेयर करूंगा तो वो इसे पसंद नहीं करेगा। बहुत ही लेम एक्सक्यूज है ये, बहुत लेम एक्सक्यूज है। मैं बोल रहा हूँ ना तुमसे, लेकिन तुम नहीं समझो। और वैसे भी तुम्हें फराज की पर्सनल लाइफ में क्या इंटरेस्ट है? अगर इसे मुझ पे शक हो गया तो सारा काम बिगड़ जाएगा। फराज की नहीं, लेकिन मुझे अपनी दोस्त की पर्सनल लाइफ में तो इंटरेस्ट है ना। आसू समीन बेचारी, अगर ऐसे हो गया तो उसकी तो बेचारी की जिंदगी तबाह हो जाएगी। बात की थी मैंने उससे, अपनी मदद की पेशकश भी की थी, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब कोई अपनी मदद खुद नहीं कर सकता ना
तो दुनिया में कोई शख्स उसकी मदद नहीं कर सकता। और वैसे भी तुम्हें क्यों फिक्र हो रही है अपनी उस फ्रेंड की? कुछ दिन पहले तो तुम मेरे सामने बैठ के उसके कैरेक्टर की असैसिनेशन कर रही थी, अब क्या हुआ? मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि हम इस वक्त फराज और समीन को क्यों डिस्कस कर रहे हैं और अपनी खूबसूरत शाम को बर्बाद कर रहे हैं। व्हाई? क्या मतलब है आपका? देखिए, समीन दोस्त है मेरी, ठीक है? उसके बारे में पहले मैंने जो कुछ भी कहा मैं गलत थी, ठीक है? एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। तुम कभी कभी मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आते। तो मैं और क्या करती? उनकी शादी ये जिन हालात में हुई थी और उस वक्त मेरी जगह कोई भी होता ना तो वो यही करता, वो यही समझता कि समीन की गलती है। लेकिन आप देखिए, जैसे ही मुझे मेरी गलती रियलाइज हुई, मैंने फौरन उसे ठीक करने की कोशिश की ना। की नहीं, आप बताएं। मत करें, ये दोस्त की मदद करें, फराज को दूसरी शादी करने से रोकें प्लीज। वो लड़की आपके घर बैठी हुई है। देखो, जो मैं कर सकता था मैंने किया है, और वैसे भी अब बाबा आकर इस मामले को संभालेंगे। फराज की शादी उन्होंने करवाई थी ना, अब उसे बचाने का काम भी उनका ही है। कब आएंगे आपके बाबा? पता नहीं, आई थिंक एक दो दिन। This is not enough, you idiot. एक दो दिन में तो पता नहीं क्या से क्या हो जाएगा। अच्छा सुने, मैं यहाँ से चले, मेरी ना तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मुझे अजीब सा हो रहा है, मैंने खाना नहीं है। रीम, क्या हो गया? रीम, बिल तो पे करने दो यार। ये प्लीज मैं लेती हूँ, अभी रखिए, अभी कोई तकलीफ की जरूरत नहीं। बेटा आप लोग, नो आंटी, नो फॉर्मेलिटीज, डोंट वरी। चलो थोड़ी देर में। फराज के वालिद को आज घर पे नहीं होना चाहिए था, उन्हें पता तो है ना कि हम आज आ रहे थे। जी पता था, वो तो रुक भी रहे थे, लेकिन उनकी बहन की तबीयत खराब होगी, उनकी बहन उनसे बड़ी है, बीमार रहती है, इसलिए उन्हें जाना पड़ा शहर से बाहर। अच्छा बेटा, कुछ दिन पहले टीवी पे और सोशल मीडिया के ऊपर आपके हवाले से एक खबर चली थी, व्हाट वाज दैट? दुश्मनी, उस लड़की के किसी दुश्मन ने फैलाई थी। पता नहीं, मेरे बेटे का तो इससे कुछ लेना देना ही नहीं है। आमखा आप बीच में मत बोलिए, एक्चुअली मैं फराज से बात करना चाहती हूँ, वो खुद मुझे बताए। लेकिन आप उस लड़की से ऐसे ही तो नहीं मिल रहे होंगे ना भला? यू मस्ट बी नोइंग हर, इसीलिए तो उस रात आप उसके साथ थे। जी मैं जानता तो हूँ उसे। जानते थे या कुछ ताल्लुक भी था? और अगर ताल्लुक था तो व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप? मॉम, मैंने आपको बताया था ना, इट वाज ऑल मेड अप। अब आप ये वाली बातें करके फराज को अनइजी तो मत करें। तुम चुप रहो, मैंने अभी इनको मना किया है, फराज को अपना दिफा खुद करने दो। ठीक है, मैंने सुना है कि आप शादी के बाद हमारे साथ यूएस जाके रहना चाहते हो। जी। और वहां जाके करोगे क्या? आई मीन आई जस्ट वॉन्ट टू नो वेदर यू आर अ जॉब पर्सन या आप वहां जाके अपना प्राइवेट बिजनेस करना चाहते हैं। I mean, it depends, लेकिन personally मैं बिजनेस करना चाहता हूँ वहां पे। अम्मी, मी अब्बू गए बच्चों को लेने। हाँ पता है मुझे। अच्छा तो हम क्यों नहीं गए उनके साथ? नहीं, क्या जरूरत थी? आएगी तो मिल लेंगे। ठीक है, आप नमाज पढ़ के फारिग हो जाएं, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ, फिर आप ना बच्चों के लिए उनकी पसंदीदा बिरयानी बनाएंगी। मैंने सारी चीजें भी किचन में सेट कर दी।
तो तुम बना देती? तुम्हें भी तो सिखाई थी मैंने। जी अम्मी सिखाई थी, लेकिन बच्चों को आपके हाथ की बिरयानी पसंद है ना, तो आप ही बनाएंगी बस। अच्छा ठीक है, मैं नमाज पढ़ के आती हूँ, तुम जाओ। जी मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। अच्छा तो आप वहां जाके बिजनेस करना चाहते हैं, गुड। फिर तो आपने यूएस की मार्केट के मुतालिक भी अच्छी खासी रिसर्च कर ली होगी। और डू यू हैव कैपिटल टू डू बिजनेस इन अमेरिका? जी आई डू। ओके, ये तो अच्छी बात है, क्योंकि पाकिस्तान में बैठकर जो ग्लैमराइज लाइफ नजर आती है यूएस में, वो वैसी है नहीं एक्चुअली। वहाँ पे बहुत मेहनत करनी पड़ती है सबको, एक एक को शदीद मेहनत करनी पड़ती है। फराज मियां, अपनी नई सास के साथ अपने फ्यूचर की प्लानिंग करने से पहले मेरा और अपनी बीवी का फैसला तो करके जाओगे ना? ये क्या बात कर रहे हैं? क्या फराज की पहले से बीवी है? इस बात का क्या मतलब है? जी हाँ। मेरी बेटी समीन फराज की बीवी है। छोड़ दिया तेरी गली जाना, छोड़ दिया तेरी।